और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की, मऊ की बात करते हैं। घोसी उपचुनाव का नतीजा आज आने वाला है और सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बताएं बीजेपी से दारा सिंह चौहान मैदान में है, सपा के सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर है। तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 5 सितंबर को वोट डाले गए थे। इस वक्त मतगणना केंद्र पर बेहद कड़ी सुरक्षा रखी गई है क्योंकि आज मतगणना होनी है और उम्मीद है कि शाम तक नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सीधी टक्कर जो है वो आपको ये बताया कि दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच है। अब देखना होगा किसकी जीत होती है, कौन जीतता है घोसी का घमासान, क्योंकि ये नतीजे कहीं ना कहीं काफी कुछ असर डालने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि घोसी उपचुनाव के लिए जी जान लगा दी थी दोनों ही पार्टियों ने। दोनों ही पार्टी, सपा हो या बीजेपी, दोनों ही दावा कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो नतीजे बताएंगे। बहरहाल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा की गई है। प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, फिलहाल कैसी तैयारियां वहां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज घोसी उपचुनाव का 8 तारीख है, आज मतगणना होना है। जिले मऊ जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना होना है। ऐसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के फोर्स, प्रशासन और आरएएफ की टीम मौजूद है। सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो चकाचौंध की गई हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें 5 तारीख के चुनाव के बाद बढ़ती नजर आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार उनकी चिंताएं इसलिए बढ़ रही थी कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर वो लोग लगातार निगरानी भी कर रहे थे। और निगरानी के बाद आज जो है वो मतगणना है और कुछ ही समय में मतगणना शुरू हो जाएगा। और शुरू के बाद देखा जाए तो 12 से 1 बजे के बीच में लगभग नतीजे भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो चुनावी जो घोसी उपचुनाव को लेकर काफी सारी इंतजार थे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के, तो वो इंतजार अब आज जो है वो खत्म हो जाएगी। और आज जो घोसी उपचुनाव का जो मतगणना है वो कुछ देर में शुरू होगा और शुरू होने के बाद जो मतगणना किया जाएगा। तो प्रकाश, क्या अभी भी सपा के जो कार्यकर्ता है अभी भी वहां पर डटे हुए हैं? क्योंकि लगातार जिस दिन से वोटिंग हुई थी उसी दिन से ये आरोप लगा रहे थे कि यहाँ धांधली हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए निगरानी कर रहे थे, क्या अभी भी वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार ये कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि जो ईवीएम है वो कहीं बदलन ना जाए। और इस तरीके से निगरानी जो है अभी भी लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी भी कलेक्ट्रेट परिसर में निगरानी स्थल है, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक बैठ रहा है तो एक उठ रहा है, इस तरीके का हाल है यहाँ पे। वहां लगातार निगरानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो ये कलेक्ट्रेट परिसर का जो ये स्थान है, यहाँ बिना पास का किसी को भी अनुमति नहीं है अंदर जाने की। तो आज देखा जाए समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जो है वो वोट के बाद भी थोड़ी सी बढ़ गई और बढ़ने के बाद लगातार निगरानी स्थल पर मौजूद रहा। ठीक है प्रकाश, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुरक्षा बेहद कड़ी है और लगभग बताया जा रहा 12 से 1 या 2 बजे के करीब रिजल्ट सामने आने शुरू हो जाएंगे।